Hello students, today we are going to begin with a new topic in your English Bravia grammar book, that is active and passive voice, and this is chapter number 13. Active and passive voice. Okay, voice hota hai aapka, jo aapne pichli class mein bhi kiya hai, active voice and passive voice. Let us begin this topic. A voice is the form of a verb which expresses its connection with the doer. Doer means one who does the work. Subject, the subject, karta, kaam karne wala. Okay, to karta, jo kaam karne wala hai, doer hai, uska connection batati hai ek verb ke saath. Ye aisi verb hoti hai voice, jo ki jo doer of the action hai, uska connection batati hai us verb ke saath. It makes clear whether the subject is doing something or something is being done to the subject. ये बताते हैं इसमें कि subject यानी कि कर्ता, doer of the action, कुछ कर रहा है या फिर कुछ काम हुआ है उसके साथ. Okay? काम करने वाले ने, doer ने कुछ किया है या कुछ काम हुआ है. Kinds of voices, there are two kinds of voices, active voice and the second one is passive voice. Active voice, in active voice, the verb shows that the subject does something. इसमें जो subject होता है, करता होता है, काम करने वाला होता है, doer of the action होता है, वो कुछ करता है. Okay? जिसमें कोई काम जो है, subject ने किया है. Okay? See the example, children are flying kites. Children, बच्चे, क्या कर रहे हैं? Flying kites. करने वाले कौन है? Children. तो children क्या है हमारा? Subject. और क्या कर रहे हैं वो? Flying verb है. और किस चीज को उड़ा रहे हैं? Kites object है. Okay? Passive voice. The passive voice shows that something is done to the subject. और passive voice ये show करता है कि subject के साथ कुछ किया गया है. कोई काम किया गया है. For example, kites are being flown by children. पतंगे उड़ाई गई बच्चों के द्वारा. तो बच्चों ने पतंगे उड़ाई नहीं, पतंगे उड़ाई गई. यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट टाइम फर्स्ट नंबर पे चिल्ड्रन आया था. बच्चों ने पतंगे उड़ाई. और दूसरे में हम पतंगों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन. पतंगे बच्चों के द्वारा उड़ाई गई. देयर आर सम जनरल रूल्स. रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस. जब एक्टिव वॉइस में होता है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है. ओके, जैसे चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और काइट्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है. तो हमने सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं. लेकिन सबसे पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं. फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दो. ये आपका पहला रूल है. ओके, चिल्ड्रन को लास्ट में ले जाएंगे और काइट्स को स्टार्टिंग में ले आएंगे. सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाएगा. यूज रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट. और जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, काइट्स को स्टार्टिंग में ले आए, तो उसके बाद यहाँ पे एक रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब लगाओ जो अकॉर्डिंगली, टेंस के अकॉर्डिंगली सही हो. हमने अपने एक्टिव वॉइस का टेंस देखना है, उसका पर्सन देखना है और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी. और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाने के बाद यहाँ पे यूज होती है. नेक्स्ट रूल हमारा है, पुट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस आफ्टर बाय. और जब सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले जाते हैं ना, लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा देना है? बाय वर्ड लगा देना है. चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, ये एग्जाम्पल था. काइट्स को स्टार्टिंग में ले आए, काइट्स. हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लगाई, आर. बीइंग लगाया और फ्लोन थर्ड फॉर्म लगाई, बाय चिल्ड्रन. अब ये बीइंग कहां से आया? आर तो ठीक है, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई चिल्ड्रन, काइट्स के साथ आर लगा है. बीइंग कहां से आया? क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म बनानी थी इसकी फ्लाइंग की, और थर्ड फॉर्म फ्लाइंग की बनाने के लिए ये आईएनजी भी तो कहीं जाएगा ना, तो बी के साथ आईएनजी लगाना होता है.
ये कुछ रूल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सी द एग्जाम्पल, मोहिनी टीचेस इंग्लिश. मोहिनी सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है. मोहिनी टीचेस इंग्लिश. और इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो इंग्लिश को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे यहां पे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे लेकिन उससे पहले बाय लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. इंग्लिश इज टॉट बाय मोहिनी. ना अब रूल्स देखने हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये थर्ड फॉर्म हमें किस तरह से लगानी है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस टॉपिक का. इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास केसेस आपने पढ़े होंगे, लास्ट ईयर भी पढ़े होंगे, पिछली क्लासेस में टीचर्स ने एक्टिव पैसिव करवाते हुए जरूर डिस्कस किए होंगे. तो केसेस हमारे तीन टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, कर्ता, ओके, कर्तावाचक जो कारक, केस का मतलब होता है कारक, आपने हिंदी में भी किए होंगे कारक, ओके. तो सबसे पहले है सब्जेक्टिव केस जो कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं. फिर हमारा होता है पोजेसिव केस जो कि पोजेशन शो करते हैं कि किसका है, कोई चीज किसकी है. और ऑब्जेक्टिव केस जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, जिसको हम कहते हैं कर्म कारक, कर्ता कारक, पोजेसिव संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव कर्म कारक. ओके, किसने किया, कोई चीज किसकी है और किसको वो किया गया, कोई काम कुछ दिया गया किसको. ओके, तो ये आपने पढ़े होंगे आई माई मी. कुछ याद आया, आई माई मी, वी अवर अस, यू यूअर यू, याद आया होगा आपको, पिछली क्लास में टीचर्स ने करवाया हुआ है. तो आपका सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन के ये है आपका सिंगुलर और ये नेक्स्ट आपका है प्लूरल. ये सभी आपके इसी तरह से हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर 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 और ये इनका प्लूरल. तो ये आपके फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल आई और वी हैं. आई के केसेस बनेंगे आई माई मी. माई है पोजेसिव केस, जैसे मेरा पेन है तो माई पेन कहेंगे, लेकिन अगर माइन वर्ड यूज करना है तो माइन के बाद हमें वो उस ऑब्जेक्ट को, उस नाउन को नहीं लगाना है कि मेरा क्या. माइन का मतलब होता है मेरा अपना, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन. ओके, ये भी आपने वर्ड जरूर सुना होगा, दिस इज योर बॉक्स, दिस बॉक्स इज योर्स. तो ये आपके पोजेसिव केस में दो टाइप से आते हैं. एक तो पोजेसिव केस ऐसे होता है आपका सिंपल, उसके साथ आपको नाउन लगाना पड़ता है, माई वट माई पेन, आवर वट आवर हाउस. ओके, और माइन और आर्स इनके साथ हमें नहीं लगाना होता कोई नाउन. तो फर्स्ट पर्सन आई माई मी सिंगुलर, प्लूरल में आएगा वी अवर अस. आई मीन्स मैं, हम मीन्स आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, मैं मेरा मुझे, हम हमारा हमें. इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू होते हैं, एक पर्सन को भी यू कहेंगे और तुम बहुत सारे हो तो उनको भी यू कहेंगे, प्लूरल और सिंगुलर दोनों यू. You, your, you, you, your, you. उसके बाद आपका है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हिज हिम, वह उसका उसे उसको, शी वह लड़की, उसका हर हर उस लड़की को या उसे, इट इट्स इट, यह इसका इसे या इसको. और इनका प्लूरल है दे देयर देम, वे उनका और उन्हें या उनको. तो ये आपके हैं केसेस, आपने पढ़े होंगे आई माई मी, तो याद रखने होते हैं ये आपको. अब यहाँ पैसिव वॉइस में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको क्या चीज याद रखनी है कि जब भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर रहे हो इसका एक रूल होता है. अभी एक तो बताया कि सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह, और लास्ट में जब सब्जेक्ट जाएगा तो बाय के साथ लगेगा. दूसरा आपने ये देखना है कि अगर आपका सब्जेक्टिव केस है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा. वही है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, लेकिन
जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो वो बाय अपने साथ लगाता है, बाय के साथ चेंज होता है। आई को अगर हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, आई को चेंज करेंगे तो मी नहीं बाय मी में चेंज करेंगे, मैं को मेरे द्वारा में चेंज किया जाएगा, वी हम को हमारे द्वारा बाय अस में चेंज किया जाएगा, ओके, यू को बाय यू, ही को बाय हिम, शी को बाय हर में, इट को बाय इट में, और दे को बाय देम में चेंज किया जाएगा। क्लियर? तो केसेस के बाद नेक्स्ट आप देखिए, एक्टिव वॉइस में आपके पास होता है आई, पैसिव वॉइस में मी बन जाएगा, लेकिन वो बाय मी बनेगा आपके पास, बाय आपने लगाना है, ये यहां पे लिखा हुआ है ना। जब भी हम सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, उससे पहले जो सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे तो उससे पहले बाय आ जाएगा। जैसे यहां था इंग्लिश इज डॉट बाय मोहिनी, यू को बाय यू में चेंज करेंगे, शी को बाय हर में, दे को बाय देम में, वी को बाय अस, ही बाय हिम, इट बाय इट, और अगर हु है, क्वेश्चन वर्ड है हु, तो उसको चेंज करते हैं बाय हुम में। ओके? तो ये टेबल आपने देखा। इसके बाद आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, यहां पे गिवन है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल गिवन है, दे वीव दीज क्लोथ्स, इसमें आपका सब्जेक्ट है दे, वीव वर्ब है, दीज क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे, दे को बाय के साथ लास्ट में ले जाएंगे, और वर्ब को चेंज करेंगे। वर्ब का चेंज अभी मैं बताऊंगी आपको। ओके? दीज क्लोथ्स आर वूवन बाय देम, अब ये आर वूवन कहां से आया, ये हम एक टेबल में आपको बना हुआ दूंगी जिसमें रूल्स लिखे होंगे हाउ टू चेंज टेंस, उसको आप स्टडी करेंगे, उसमें ये रूल्स पता चलेंगे कि इज एम आर क्यों लगाया, थर्ड फॉर्म तो लगानी है सबके साथ, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है। ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, शी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, आई एम लर्निंग माय लेसन्स, माय लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय मी, यू आर मेकिंग अ केक इज बीइंग मेड बाय यू। तो इस तरह से ये रूल्स, ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है कैसे लगानी है, उसके लिए अभी मैं आपको एक पिक सेंड करूंगी, उसमें आपने इसको ध्यान से स्टडी करना है। तब तक के लिए आप ये वाले सारे एग्जांपल्स एक बार रीड करेंगे, कौन से टेंस के कौन से एग्जांपल्स हैं, स्टार्ट रीडिंग दीज एग्जांपल्स एंड देन यू विल स्टडी द पेज दैट आई एम सेंडिंग इन द नेक्स्ट पिक। ओके?